इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे मुख्तारा माई का गैंग रेप हुआ मुजफ्फरगढ़ में, तो उसके बाद उनसे इंटरव्यू हुए, तो एक उनके भी एडवाइज़र थे, उनके भी काउंसलर थे, उन्होंने भी उनको यही मशवरा दिया कि आप इसकी ज़िम्मेदारी लेने की बजाय, या वो कोई आपके सामने इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसको आके एक्सेप्ट करें, माने। हर दुनिया में के उसमें होते हैं, केसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं, रेप भी होते हैं, जिनसी तशद्दुद भी होते हैं वोमेन के साथ, तो आप उसको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए एक आगे लीडरशिप को। लेकिन उनके भी जो एडवाइज़र थे, उन्होंने उनको ये समझा दिया था कि नो, ये पाकिस्तान का जो इमेज है ना, ये ख़राब करने की कोशिश है। अच्छा। ये हमारा ये कोई दुश्मनों की साजिश है और आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना कि पाकिस्तान के कवानीन के साथ मसाइल है, या कोई सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम है, या हम ये मर्दों के साथ की प्रॉब्लम है। आपने ये बात नहीं मानी, आप सीधा सीधा कहते हैं विक्टम ब्लेमिंग जो कहते हैं जिसको, कि आप सीधा कहें कि खवातीन जो है ना, ये खुद इन्वाइट करते हैं बुराई की, ये बुराई की जड़ जो है ना, ये खतून ही है, ये फसाद की जड़ समझें, वट एवर समझें, हम मर्द नहीं हैं, वी आर नॉट मतलब टू बी ब्लेम्ड। ब्लेम जो आना है ना, विक्टम ब्लेम पे, रात को घर से अकेले क्यों निकली, इसने कपड़े क्यों पहन लिए थे, इसने पर्दा नहीं किया, इसने दुपट्टा नहीं सर पे लिया हुआ था, ये भाई की उंगली पकड़ के बाजार क्यों नहीं जा रही थी 2 साल के भाई के साथ, अकेली क्यों चल पड़ी है, ये जॉब्स क्यों करती हैं, ये वर्कें क्यों जाती हैं, दफ्तरों में क्यों जाती हैं, मेल कुलीग के साथ क्यों उठती बैठती हैं, ये करेंगे फिर तो ये होगा। ये थड़े वाली गुफ्तगू है, ये थड़े की गॉसिप्स हैं जो आप उसमें, बल्कि बाजारी टाइप कॉमेंट्स जो हैं, ये कामनर अक्सर इस तरह की बातें करते होते हैं। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं, उन्हें जनरल मुशरफ साहब के उस बयान में बड़ा, आपको याद होगा, रोला पड़ गया था, बल्कि इवन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बड़ी उन्होंने एहतजाज किया था कि जनरल मुशरफ साहब जैसे एक मतलब एक आर्मी चीफ थे, मुल्क के सदर थे, इतना बड़ा आपका ब्राटअप है, और ये जहन में रखें कि जनरल मुशरफ साहब जिस फैमिली से आए थे वो प्रोग्रेसिव फैमिली थी, अगर सेकुलर हम नहीं भी कहते, एक प्रोग्रेसिव पढ़ी लिखी मॉडर्न फैमिली थी। उनके वाले साहब तुर्की में रहे थे और वहाँ पर उसमें अगेन उसमें फॉरन ऑफिस के किसी पोस्ट पर थे। अब बाकायदा उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें और उनकी ग्रूम में मिलिट्री के उनके ऑलमोस्ट 40 ईयर्स की वटेवर टाइम की, अगर वो भी यहाँ पे आके ये कहते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन इसलिए ये रेप करवाती हैं, ये अल्फाज हैं उनके, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तो उन्होंने नेशनलिटी लेनी होती है बाहर ममालिक के नेशनलिटी के लिए। वाशिंगटन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा, ये बात भी वाशिंगटन में की थी कि ये उनका कसूर है क्योंकि उनको नेशनलिटी चाहिए। अब मुल्क के एक हेड ऑफ द स्टेट हैं, आर्मी चीफ हैं, एक पढ़ी लिखी बाशऊर उसकी कराची की इलीट क्लास से आप आ रहे हैं, पढ़ी लिखी क्लास है, और ये आप इल्ज़ाम धर रहे हैं खवातीन पे कि उनको नेशनलिटी ली, फिर आप बताएं। तो उसने आके मुख्तारा मई के, ये वाक़ कई अरसा गुजर गया है, इसको इतने बरसों गुजर गए हैं, तो मुख्तारा मई ने फिर नेशनलिटी ली है, क्या वो कनाडा शिफ्ट हो गई हैं? जो भी केसेस से खवातीन मर्द को शिफ्ट हुए हैं, ब्लास्फेमी केसेस में हुए हैं, जिनकी जान को खतरा था, रेप विक्टम के तौर पर डॉक्टर शाजिया के अलावा, वो तो कोई ना, अगर मुझे याद आता वो भी इन्होंने खुद फोर्स करवाया था, दरमियान में बंदे डाले थे, उनकी फैमिली को इन्होंने आके कन्विंस किया था कि ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है हमारे लिए, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर शाजिया को सिविल मिलिट्री इशू बन गया था ना, इशू बन गया, तो उन्होंने कहा निकालें इसको। उसको कैल करने वाले भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे पॉलिटिशियन और कुछ 2-3 जर्नलिस्ट दोस्त भी हमारे शामिल थे जो डॉक्टर शाजिया को कैल कर रहे थे कि आप बाहर चली जाएँ। सो वो चीज़, अब खान साहब ने जो आज बात की, माइंड सेट की बात बता रहा हूँ, अब कुछ भी कहें, ये गुफ्तगु इस तरह की कोई पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर नहीं करता होता, जनरल मुशरफ से तवक्को की जाती थी, ब्लंट है, जो आया कह दिया, ये कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह की चीज़ें नहीं कहता। गिलानी साहब ने कभी बात नहीं की इस पर, नवाज शरीफ ने कभी नहीं की, जमाली साहब ने नहीं की, चौधरी शुजात नहीं करेंगे, राजा परवेज अशरफ, उसके शायद खकान अब्बासी, मैं सिविलियंस का नाम ले रहा हूँ ना, कि ये इस तरह की गुफ्तगु नहीं करेंगे, कि सेंसिटाइज होते हैं कि हमने क्या बात कहनी या नहीं कहनी। आज इमरान खान साहब ने जिस तरह का उन्होंने ये कॉमेंट किया, उसकी क्लैरिफिकेशन भी देने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल मैयस वगैरह की बात हो रही, नहीं जी इंटरप्रटेशन गलत होगी, ये फलान हो गया। आज उन्होंने जो बातें की हैं कि पर्दे की उन्होंने बात की, औरत जो है क्योंकि प्रॉपर कपड़े नहीं पहनती, वही विक्टम ब्लेमिंग पे आ गए, और मर्द के अंदर क्योंकि ख्वाहिशें हैं या वैशी एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट है, तो लिहाजा वो देखते हैं, रिपोर्ट नहीं है, काबू नहीं पा सकते, तो इस्लाम में इसलिए पर्दे पे जोर दिया गया है, फलां फलां। इस्लाम ने और भी कुछ जोर दिए हैं मर्दों पर, दिए हैं कि आँख की कोई शर्म कर लें, आँख का पर्दा कर लें, कोई मर्द के लिए भी कोई इस्लाम ने कोई हदें रखी हैं या
नहीं रखी है, सारा बर्डन जो है, प्रेशर जो है वो औरत पे डाल दिया गया। और खान साहब इतने बड़े एक हाई प्रोफाइल उन्होंने लाइफ गुजारी है, जो इंटरव्यूअर ने कहा भी है, मेरा ख्याल है कि आप प्ले बॉय की लाइफ पूरी दुनिया फिरे हैं, दुनिया जहाँ की कौन सी ऐसी मतलब है वो नहीं होंगी। उसके बाद आप यहाँ 68 ऑफ एज में इतनी है, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, अगर आप बैठ के लोगों को पर्दे की, फहाशी की, कपड़ों की, जूतों की, आपने क्या पहनना है नहीं पहनना, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक प्राइम मिनिस्टर ये बात करेगा, तो ये बेसिकली तो इट अमाउंट्स टू जस्टिफाइंग द रेपिस्ट, के क्योंकि वो तो कहेगा भाई साहब ये मेरा दिल किया तो मुझे तो ये इसने कपड़े नहीं पहने होते। ये तो रूफ मिसोजिनी है ना, आप जब एक बड़ी मेल शोवनिज्म करें, मिसोजिनी करें, और वो अंग्रेजी में एक फ्रेज होता था क्रिश्चियंस के लिए यूज होता, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, कि जो दोबारा उनमें बड़ा मजहबी फॉलोअर आ रहा था, तो इमरान साहब को वो भी है। लेकिन अगर वाकई अगर मैं मान भी लूँ दो सेकंड के लिए कि औरतों की वजह से रेप होते हैं, आजकल एक केस बड़ा मशहूर हुआ है मौलाना साहब का लाहौर का जी। और वीडियोस भी चल रही हैं, अरेस्ट भी हो गए हैं। वहाँ तो जो बच्चा था, जो 18-19 साल का बच्चा है, वो तो बड़ा फुली क्लोथ था, पूरे कपड़े पहनता था, उसी बल्कि दाढ़ी भी थी, तो वहाँ पे ये क्या रेप क्यों हुआ? अगर ये सिर्फ प्रोवोकेटिव काम था कि जी औरतें क्योंकि किसी ने, खातून भी नहीं है, मर्द है, खातून भी नहीं है और मर्द है, ये जो खबासत अंदर की है इसको हम दूसरे बैरूनी अवामे पे ना ही डालें तो बेहतर है। मुझे याद है पाकिस्तान में एक जमाना होता था कि अगर कोई लड़की जीन्स पहन के निकलती थी तो लेबल लग जाता था कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आवारा लड़की। अब हर दूसरी बच्ची जीन्स भी पहन रही है, सब कुछ पहनी, ईरान में चले जाए नीचे जीन्स पहनी होती, ऊपर हिजाब किया होता है। अच्छा, ये बड़ी सब्जेक्ट मोरालिटी देखें, दो लफ्ज ऐसे हैं हमारे खत्ते में जिनसे कोसों मील दूर चलना चाहिए, एक है मोरालिटी और एक है नेशनल सिक्योरिटी। जिसका दिल करता है दो लफ्जों को जहां मर्जी मरोड़ दें, जहां मर्जी लगा दें, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। मेरी मोरालिटी आपकी कुछ और है, मेरी और है, इनकी कुछ और है, तो जो ताकतवर ताकत में होता है फिर उसकी मोरालिटी रूल करती। जनरल जावला की मोरालिटी कुछ और थी, जनरल मुशर्रफ की मोरालिटी कुछ और थी, इमरान साहब की कुछ और है। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों में ना, अगर जो हाकम वक्त हैं, चाहे वजीर आजम हों या सदर हों, इनको इन इश्यूज पर बड़े ध्यान से बात करनी चाहिए। बिकॉज जब आप ऐसी बात करते हैं, ये सिर्फ इमरान खान का जुमला नहीं है, ये पूरी पूरी लॉबीज हैं जो व्यू पॉइंट लेके चलती हैं, फिर वो बात उनके दावे को तकवीत देता। अच्छा, इज इट एक्चुअली व्हाट ही मींस? बिकॉज जब वो कहते हैं कि मर्द रोबोट नहीं है, और इस तरह का जब माशरा, हमारे माशरे में हम हैंडल नहीं कर सकते इतनी आजादी और इतनी मर्द इज ऑल्सो, तो रोबोट की बात नहीं है, मर्द इज ऑल्सो नॉट एन एनिमल इन हीट। मर्द की दिमाग है, मर्द का अकल है, मर्द को ये कोई पागल हिजानी जानवर नहीं फिला कि उसकी हर चीज जस्टिफाई हो जाएगी बिकॉज एक प्रोएक्टिव सिचुएशन होगी तो वो मर्द जो है वो एक जानवर बन जाएगी, क्या बात है। लेकिन यही इसलिए हम बात करते हैं कि ये जो व्यू पॉइंट है ये मिसोजिनस व्यू पॉइंट्स हैं, ये बड़े माचो किस्म के व्यू पॉइंट्स हैं, ये दिस इज नॉट द न्यू नॉर्मल, इस तरह दुनिया नहीं चलती रही, ये ख्याल थे आज से 200 साल पहले के। हमेशा जब एक औरत एक पोजेशन थी, मलकियत थी, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी औरत, ये नहीं है जमाना, वी आर इक्वल्स। और आपको एक पूरे जेंडर को समझना होगा, सेंसिटिविटी पूरी दुनिया में जेंडर सेंसिटिविटी पढ़ाई जाती है, बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हमारी लीडरान खास तौर पे पब्लिक फिगर्स इनको ही पता, उसमें हम भी शामिल हैं, हमें एज एंकर्स, हमें एज जर्नलिस्ट, वी शुड ऑल्सो नो कि जेंडर सेंसिटिविटी क्या होती है। यही चीज़ें जो से स्टीरियोटाइप्स को स्ट्रेंथन करती हैं। और जब समबडी लाइक इमरान खान, जिसने दुनिया देखी हुई है, उसको लोग एक प्रोग्रेसिव लिबरल मुसलमान समझते हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। ये बात कोई अनपढ़ मौलवी करता ना, उसका डैमेज नहीं था, लेकिन समबडी लाइक इमरान खान जो एक प्रोग्रेसिव लिबरल मुस्लिम की बात करता है, जो एक मॉडर्न इस्लाम की बात करते हैं, जब वो इस तरह की बातें करते हैं जो आज से 200 साल पुरानी है, ये इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। ये मुशर्रफ की बात से इनकी बात का नुकसान 50 गुना ज्यादा है। ही हैज टू रियलाइज, मेरा ख्याल है शायद खान साहब को कई बार ये तो रियलाइज करते हैं कि उनकी किस बात का कितना अच्छा इम्पैक्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, तो यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में देखा आपने रॉब क्लासरा बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोला है कि मर्द जिम्मेदार नहीं होते लड़कियों के रेप के, लड़कियों के कपड़े होते हैं, अगर वो पर्दा करेंगी तो रेप से बच जाएंगी। इस तरीके के बयान इन्होंने दिए हैं। आप जानते हैं इमरान खान ने किस तरीके की लाइफ जी है, ये जब क्रिकेटर थे तो ये एक प्ले बॉय थे, और मतलब आप समझ जाइए कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, हालांकि पढ़ाई में तो इनका इतना खासा मन नहीं लगा क्योंकि स्पोर्ट की तरफ ये चले गए थे, तो स्पोर्ट में इन्होंने डेफिनेटली अपने
लास्ट मतलब 42 साल की उम्र में आखिरी मैच खेलते हुए वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन रहे। हालांकि उस वर्ल्ड कप में मैं तो मतलब अगर आप पूरा अगर वर्ल्ड कप देखें तो उस वर्ल्ड कप के हीरो तो वसीम अकरम थे, वसीम अकरम ने ही वो वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। इमरान खान डेफिनेटली कैप्टन का रोल होता है, कैप्टनशिप भी बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के गेम में, तो क्रिकेटर एक अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे कैप्टन थे। तो दोस्तों इमरान खान का ये बयान पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचा चुका है और पाकिस्तान के लोग अब मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं इनको लेकर कि मतलब लड़कियों को दोष दे रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले एक 18 साल के दाढ़ी, अच्छी खासी लंबी दाढ़ी थी उस बंदे की, उसका रेप हो गया, उसका रेप एक मौलाना ने कर दिया। मौलाना उसके बाद बोल रहा है कि मैंने जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया, लड़का एंजॉय कर रहा था। इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं और यहाँ पर ब्लेम दिया जा रहा है लड़कियों को। तो गाइज़ अब क्या कह रहे हैं, अब इन लोगों को क्या बोलें, अब आप समझ सकते हो कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है। पाकिस्तान एक मतलब इनके प्राइम मिनिस्टर इस स्टैंडर्ड का बयान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो इनकी सोच कैसी है। ये बयान कोई छोटा मोटा मंत्री नेता देता तो बात अलग होती, या पाकिस्तान का कोई सेलिब्रिटी देता तो बात अलग होती। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया में पर्दा बुरखा इस तरीके की बातें करते हुए रेप को जस्टिफाई कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में 18 साल के लौंडों के साथ रेप हो रहा है। हाल ही में एक केस बहुत वायरल हुआ। तो दोस्तों आपकी इमरान खान पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और इमरान खान के इस तरीके के जो फ़नी फ़नी बयान आ रहे हैं, कभी ये उसामा बिन लादेन को हीरो बता देते हैं, कभी रेप को ये बोलते हैं, कभी बोलते हैं तालिबान हमने बनाया। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों ये एक मैच्योर पर्सन नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में बैठने लायक मटेरियल नहीं है। ये क्रिकेटर था, जुनून आया, इलेक्शन लड़ गया और मेहनत की, आर्मी का सपोर्ट था, बेहतरीन बन गया प्राइम मिनिस्टर और अब यहाँ पर ये लड्डू खा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। गलतियाँ बताइए मुझे मेरी, आपकी मतलब जो विचार रहेंगे उस पर मैं ध्यान दूंगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा।